हेलो फ्रेंड्स, मैं इनको कुशवाहा स्वागत करता हूँ टेक खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल से आपको समझ में आया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि इस साल मतलब 2019 में क्या एडसन अकाउंट बाई करना हमारे लिए सेफ है और वो किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे मतलब ब्लॉगिंग क्षेत्र में या किसी अन्य चीज़ के लिए हम जिसके लिए ले रहे हैं। मेन पर्पस तो वैसे देखो ब्लॉगिंग के लिए होगा या तो URL शॉर्टनर वगैरह के लिए होगा, तो उसके लिए क्या हमें फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ समझ लेते हैं। वैसे समझना क्या, बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। देखो मैं सब चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ एक लॉजिकली होता है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है। अगर लॉजिक लगाओ, दिमाग लगा दोगे, सारा काम हो जाएगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो अभी तक कर लो, रेड वाला बटन दबाओ, बेल आइकन को दबाओ, इससे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलेगा और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार, कंप्लीट करा दो। हो सकता है 1K पे हम लोग को भी कंप्लीट टाइम मिल जाए, जिसके जरिए मैं कुछ किसी का हेल्प कर सकूं, प्रमोट कर सकूं किसी के वीडियोस को, ऐप को। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हो व्हाट्सअप पे, बोलते हैं भाई मेरा चैनल प्रमोट करो। मैं कहा कि भाई मैं किस तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ, बस आप लोग हेल्प करोगे तो कम्प्लीट टाइम मिलेगा, कम्प्लीट टाइम मिलेगा तो किसी का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, अभी तक जो है 2018 की बात करूँ तो 2018 में सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक आप एडसन अकाउंट को खरीद सकते थे बेहिचक, और उसमें अपनी मनचाही साइटों को, अनलिमिटेड साइटों को ऐड करके, वेरीफाई करके वहां पे ऐड डिस्प्ले करा सकते थे, ठीक है। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर का जो मंथ आता है उसमें एडसन ने नए रूल्स निकालते हैं, जहां पर वो बोल देता है कि आपको एक मतलब हर साइट को मैनुअली वेरीफाइड कराना होगा एडसन से, ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होगा, मैनुअली वहाँ पे आप जैसे क्या होता था, ये ऑटोमेटिक होता था जो कि इस पर हम लोग कराते थे अप्रूवल, किसी का ले लिया उसके बाद अब सारी साइट को हो जाए तो इस तरीके से ऑटोमेटिक हो जाता था, बट वो मैनुअली अब करेगा। तो ये प्रॉब्लम आने के बाद बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि हम लोग क्या एडसन अकाउंट खरीद सकते हैं। देखो एडसन अकाउंट तो अभी भी सेल हो रहा है और उसको बूस्टिंग वाले लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। बूस्टिंग का मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, उस पर बनाया जाएगा वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर है नहीं बूस्टिंग का मतलब, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी आप लोग को, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपने एक अपना पार्टिकुलर डोमेन लिया होगा, ठीक, आपने उस डोमेन पे आपको जो एडसन अकाउंट आप बाई करोगे, पहली बात आपको वो आपके मनचाहा डोमेन नहीं मिलने वाला। जैसे example.com मैं ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, example.com, मुझे example.com पे अपनी साइट चलानी है और यहाँ पे मुझे एडसन के ऐड लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें खुद से ही मेहनत करके इस पर अप्रूवल लेना होगा। आप ये सोचो कि मैं कोई एडसन अकाउंट बाई कर लेता हूँ, वहाँ पे साइट को वेरीफाई कर लूँगा, ऐड, ऐसा नहीं है भाई। आपको एडसन अकाउंट लोगे, बाई करोगे, उसके बाद फिर से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये है 2019 में एडसन अकाउंट बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्योंकि देखो ये एडसन अकाउंट बाई करने वाला काम जो रहा है ना, वो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बंद तो नहीं होगा बट कम हो जाएगा, क्योंकि एडसन अकाउंट बंद भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो बाई सेल होता है उसमें बंद क्यों बंद होता है, क्योंकि आपने गौर किया होगा जब आप नया एडसन अकाउंट बनाओ फॉर वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका पेमेंट, जो पेमेंट प्राइमरी कॉन्टेक्ट वगैरह होता है, वो सारे पूछे जाते हैं। और जब आप बाई करते हो तो आप उसको चेंज करते हो, और चेंज करोगे तो एडसन को पता चलता है कि मतलब भाई इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है कि बाद में चेंज किया गया है, तो ये भी दिक्कत है। तो इस चीज़ को समझिए, और एडसन अकाउंट अगर आपको ज़रूरत है, लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, मैं बाई ही करूँगा, तो आप बाई करो, लेकिन आपके मन मुताबिक आपको डोमेन नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं URL शॉर्टनर के लिए। देखो URL शॉर्टनर के लिए आपको ऐसे डोमेन की ज़रूरत होती है जो कि यूनिक हो, चाहे बड़ा हो, मतलब डोमेन का लेंथ बड़ा हो नहीं चलेगा, लेकिन वो ऐसा नाम होना चाहिए जो एक बार अगर किसी के जवान पे आ जाए मुंह में, एक बार मुंह पे वो ले ले, तो वो कभी उस नाम को भूल ना सके। इस टाइप के कुछ डोमेन अगर हैं तो ही आप जो है एडसन वाले से, एडसन जो सेल करते हैं उनसे बाई करिए। और बात कर लेते हैं अभी इसकी प्राइस की। तो प्राइस देखो, सब जितने भी सेलर हैं कोई अपने पास से खुद से अप्रूव करा के नहीं देता, सब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट होते हैं। मतलब मान लो जैसे एक कंपनी है और कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है, जो हमारा, देखो सबसे पहले शुरू करता हूँ, जो दुकानदार होते हैं वो हमें 50 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें, उसको मिलता है 25 रुपये में,
वो दुकानदार को सेल करता है 35 रुपए में और दुकानदार हमें सेल करते हैं 50 रुपए में। सेम टू सेम यही केस होता है एडसन सेलर के साथ भी। इस चीज को मैंने बहुत सारे लोग के साथ देखा है, किसी से बात करो तो कुछ कम बताएगा, किसी से ज्यादा, तो इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ये समझ लो कि इसी तरीके से सेल होता है। सेम टू सेम, मान लो कंपनी से निकली, ठीक है, कंपनी से निकले, कंपनी वाले ने उसके जो उसके नीचे काम करता उसको थोड़े कम में तो उसे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के दे दिया। अब जो उससे भी बाई करता है उसने उस अपना प्रॉफिट रख के जो कंपनी वाले से खरीदा था उसने अपना प्रॉफिट रख के उसको दे दिया। अब आपकी बारी आती है, जो दुकानदार था उसने अच्छा खासा प्रॉफिट रख के आपको सेल कर दिया। तो ये होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं खरीदना चाहिए एडसन अकाउंट 2019 में। परफेक्टली आपको मिलेगा नहीं यार डोमेन, ना सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि परफेक्टली आपको डोमेन नहीं मिलता। और अगर डोमेन परफेक्टली मिल जाता तो आप बेहिचक खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मिलते हैं ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।